उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश साहित्य सभा आजमगढ़ के तत्वावधान में कला साहित्य एवं संस्कृति केंद्र नरौली में रविवार को शपथ ग्रहण समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भवानंद महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा संस्कृत स्वस्तिवाचन से हुई। वरिष्ठ कवि प्रभुनारायण पांडे प्रेमी ने कवियों को सम्मानित किया और साहित्य सभा पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया। इसके बाद डॉक्टर कमलेश राय द्वारा संपादित शब्दिता पत्रिका का लोकार्पण हुआ। कवि सम्मेलन में डॉक्टर शशिभूषण प्रशांत, संजय पांडे सरस, विजेंद्र श्रीवास्तव करुण आदि कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। प्रेमी जी ने अपने उद्बोधन में कवि और कविता को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने कला और साहित्य को समाज का दर्पण बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतिभा सिंह, सागर पांडे, जेपी यादव, डॉक्टर कौशल, डॉक्टर अतुल यादव, राकेश त्रिपाठी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ शहर के नरौली पे। आप देख सकते हैं कि ये जो मिशन हॉस्पिटल का रोड है, वर्साटाइल डांस स्टूडियो में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर साहित्य कला और सांस्कृतिक का पूरा यहाँ संगम है। हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, जो श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। ये जो साहित्य और कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में जो स्थिति बढ़ावा दे रही, क्या कहना, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? उत्तर प्रदेश साहित्य सभा आजमगढ़ के तत्वावधान में आज के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो यहाँ पर स्थान है वो कला साहित्य एवं संस्कृत के नरौली पर है। उसके हाल यहाँ पर सभागार में यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है साहित्य कला और संस्कृत का बढ़ावा देना, जिसमें समाज में जो वैमनस्य कविता फैल रही है उसमें उस कविता को कुछ कम करने का प्रयास करना, समाज को एक नई दिशा देना और इन कलमकारों के माध्यम से, इन साहित्यकारों के माध्यम से समाज को, देश को, क्षेत्र को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना जिससे समाज के लोग, विशेष तौर से कलमकार, अपनी बातों को रख सकें, अपने कलम के माध्यम से समाज में सौहार्द पैदा कर सकें, समाज की कटुता को कम कर सकें, इसका मूल उद्देश्य यही। और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का जो गठन हुआ है उसके आज पदाधिकारियों का परिचय जिले के संभ्रांत नागरिकों से कराया जाएगा। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप कलमकारों से पत्र के माध्यम से समाज में एक ऐसा संदेश भेजा जाएगा कि नफरत की दीवारों को ढहा दिया जाए और प्यार की जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाए। इस प्रकार जो कलमकार हैं, पूरे उत्तर प्रदेश कई कवि आए हैं, मूल रूप से अब इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है वह कवि गोष्ठी चल रही है, उसमें साहित्यकार अपने काव्य का मंचन करेंगे और लोग उसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। भारी संख्या में जो लोग आए हैं उसके प्रति हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ तो कलाकारों और साहित्यकारों और कलमकारों की संस्कृति रही है, भरती रही। क्या लग रहा है कि इधर जो कवि है, जो साहित्य है, कभी महसूस हो रही है और ये चलन खत्म हो रहा है? ये सही है, आजमगढ़ कलमकारों की धरती रही है। यहाँ राहुल सांस्कृत्याय जैसे, हरिओत जैसे, शिवली नोमानी जैसे बड़े पुरोधा पैदा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी जो समस्या पर नाटक के जनक कहे जाते हैं, उनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन जिन्होंने सिंदूर की होली पढ़ी हो या उनके नाटक पढ़े होंगे जो विश्व लेवल पर छाए हुए, उसमें जो वर्तमान परिवेश में थोड़ा ठहराव आ गया, उसी को गति प्रदान करने के लिए, उसी को एक मंच प्रदान करने के लिए यह कला संस्कृति एवं सब का सभागार उनको समर्पित किया जा रहा है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का गठन किया गया है। कलमकारों को, साहित्यकारों को और पत्रकार, निबंधकार,
या आत्मकथा लिखने वालों को प्रेरित किया जाएगा और नई पीढ़ी को यह प्रेरित किया जाएगा कि मोबाइल की चकाचौंध वाली दुनिया से निकलकर किताबों की दुनिया में वापस आओ, क्योंकि किताब की दुनिया सबसे खूबसूरत दुनिया होती है। जिस दिन नवयुवक इन कलमकारों के माध्यम से इधर आना शुरू कर देंगे, निश्चित है समाज में बिखराव टकराव कम हो जाएगा, समाज प्यार की भाषा बोलने लगेगा, नफरत और कटुता कम। ये थे डॉक्टर परवेश कुमार सिंह, जो श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज में आप सीनियर प्रोफेसर हैं, बातचीत कर रहे थे।